नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्वे देश से जुड़े कुछ रोचक जानकारियों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर एक, नॉर्वे की जेलों में कैदियों को इंटरनेट की सुविधा मिलती है। राजधानी ओस्लो के तट से करीब 75 किलोमीटर दूर एक द्वीप पर बेस्टॉय प्रिजन है। यहाँ रहने वाले अपराधियों पर मर्डर, रेप और स्मगलिंग के मुकदमे होते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के अपराधियों के लिए ये द्वीप एक छुट्टी मनाने की जगह होती है। इस जेल में कैदियों को लगभग हर तरह के काम करने की छूट होती है जो वो करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्वे सरकार का मानना है अपराध सुधारने का प्रयास पहले दिन से ही होना चाहिए। नंबर दो, इस देश के नागरिक दुनिया के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले ज्यादा किताबें पढ़ते हैं और वे हर साल औसतन 500 क्रोनर यानी 5000 रुपए किताबों पर खर्च कर देते हैं। नंबर तीन, अगर आप नॉर्वे में कोई अच्छी किताब लिखते हैं तो सरकार उसकी 1000 कॉपीज खरीद लेती है ताकि उसे देश भर की लाइब्रेरियों में रखा जा सके। यहाँ हर साल 2000 से ज्यादा किताबें प्रकाशित होती हैं। नंबर चार, इस देश में 12 साल से कम बच्चों के लिए कोई विज्ञापन बनाना गैरकानूनी होता है। नंबर पाँच, नॉर्वे में पुरुषों के दो नाम बहुत पॉपुलर हैं, ऑड और इवन। नंबर सिक्स, नॉर्वे में एक टाउन है जिसका नाम है हेल यानी कि नरक। जाहिर है इस फैक्ट को सुनकर के आप चौंक गए होंगे। नंबर सेवन, नॉर्वे में 17 मई का दिन राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1814 ईस्वी में नॉर्वे का संविधान बना था। देश की संसद को स्टोरटिंग कहा जाता है जिसके सदस्य हर 4 साल बाद चुने जाते हैं। नंबर आठ, नॉर्वे में 872 ईस्वी से ही राजवंश की परंपरा चली आ रही है। यहाँ के वर्तमान राजा हेराल्ड पांचवें हैं जो 1991 में अपने पिता ओलाफ पांचवें की मृत्यु के बाद से इस पद पर बने हुए हैं। नंबर नौ, किंग हेराल्ड के बारे में एक बेहद दिलचस्प बात है। उन्होंने तय किया था कि वो कभी शादी नहीं करेंगे अगर उनकी शादी उससे नहीं हुई जिससे वो प्यार करते हैं। वो एक कपड़े की व्यापारी की बेटी से प्यार करते थे। नॉर्वे सरकार की मदद से उनकी शादी उस लड़की से हो पाई। वो लड़की सोंजा हेरल्सन है जो अब नॉर्वे की रानी है। नंबर 10, नॉर्वे के स्वर्गीय राजा ओलाव पांचवे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते थे और टिकटों के पैसे भी खुद ही देते थे। ओलाव पांचवे एक सक्रिय नाविक थे और इन्होंने 1928 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था। नंबर 11, नॉर्वे को यहाँ के लोग नॉर्ड वेज कहते हैं जिसका अर्थ है नॉर्दर्न वे यानी उत्तरी रास्ता। नंबर 12, स्वीडन और नॉर्वे 1814 से 1905 तक एक ही देश थे। 1905 में स्वीडन नॉर्वे से अलग हो गया था। नंबर 13, 2013 के वैश्विक शांति सूचकांक में नॉर्वे दुनिया के सबसे शांतिप्रिय देशों में से एक था जिसकी रैंकिंग 162 देशों में से 11वीं थी। नंबर 14, 2017 में नॉर्वे पहला ऐसा देश बना जिसने FM रेडियो को पूरी तरह से बंद कर दिया था। नंबर 15, साल 2008 में नॉर्वे में एक पेंगुइन को नाइट की उपाधि दी गई थी। उस पेंगुइन का नाम था निल्स ओलाव और उसे ये उपाधि सेना में काम करने के लिए दी गई थी। नंबर 16, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद नॉर्वे में केवल 10 पुलिस वालों का मर्डर हुआ है। नंबर 17, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिन देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी उनमें नॉर्वे की मुख्य भूमिका थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव नॉर्वे के ही थे, उनका नाम था ट्रिग्वी लाई। नंबर 18, नॉर्वे में आप अपने कुत्ते को बांध करके नहीं रख सकते। ऐसा करना यहाँ पर गैर कानूनी है, केवल जरूरी परिस्थितियों में आप कुत्ते को बांध सकते हैं। नंबर 19, साल 2011 में नॉर्वे में मक्खन की बहुत कमी हो गई थी। यहाँ पर 250 ग्राम मक्खन की कीमत 50 अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई थी। नंबर 20, 1999 में नॉर्वे के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के एक ड्रग स्मगलर को शरण देने का फैसला किया क्योंकि उनके अनुसार अमेरिका के जेल मानवों के रहने लायक नहीं है। नंबर 21, नॉर्वे जलवायु परिवर्तन से सबसे कम प्रभावित देश है। नंबर 22, नॉर्वे की तटरेखा लगभग 101,388 किलोमीटर लंबी है जो कि पृथ्वी के ढाई चक्कर लगाने के बराबर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्वे के पास 50,000 से ज्यादा द्वीप हैं और इसके मुख्य भाग का तट काफी कटा फटा सा हुआ है। नंबर 23, इस देश में कोई भी व्यक्ति अपनी कमाई को छुपा नहीं सकता। यहाँ का टैक्स डिपार्टमेंट हर नागरिक की कमाई को अपनी वेबसाइट पर डाल देता है ताकि उसे हर कोई देख सके। ये सोच करके तो हैरत में पड़ गए होंगे, क्या अपने भी देश में ऐसा हो सकता है। नंबर 24, नॉर्वे में अगर आपको कोई कत्ल कर दे तो शायद आपको फांसी नहीं होगी क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी सजा बस केवल 21 साल की कैद है। यहाँ पर सारी उम्र कैद रहने की सजा को 1971 में खत्म कर दिया गया था।
नंबर 25, अगर नॉर्वे में आप अपने घर में टीवी रखते हैं तो आपको उसका सालाना लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ती है जो कि लगभग 24,000 रुपये सालाना है। नंबर 26, नॉर्वे डे एंड नाइट। नॉर्वे देश के उत्तरी भाग में मई से जुलाई तक लगभग 76 दिनों तक सूरज कभी नहीं डूबता है। यहाँ रात 12:43 पर सूरज छिपता है और वहाँ 40 मिनट के अंतराल पर उगाता है। ये घटना नॉर्वे के उत्तरी छोर पर मौजूद हेमफेस्ट शहर में होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।